नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत तालाबों क्षेत्रों को संवारने का काम किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भिलाई निगम क्षेत्र के वार्ड एक स्थित लिम्हा तालाब को पहले से कायाकल्प किया जा चुका है। भिलाई निगम महापौर नीरज पाल ने भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत कई सारे तालाबों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आयुक्त लोकेश चंद्राकर अपने नियमित क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुबह 6 बजे लिम्हा तालाब परिसर पहुंचे। वहां उन्होंने तालाब के आसपास के पूरे परिसर की सघन सफाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। 2 साल पूर्व निगम व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लगाए गए पौधे अब बड़े होकर के छांव प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक निर्धारित आकार में इसकी छटाई भी आवश्यक है ताकि तालाब एक आकर्षक स्वरूप में नजर आ सके और घूमने वालों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आयुक्त ने पार्षद की मांग पर कुछ स्थानों पर लाइट लगाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। पूरे परिसर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई की व्यवस्था देखी। उन्होंने कहा कि तालाब परिसर की सफाई में जन सहयोग की भी अपेक्षा है ताकि तालाब में असामाजिक गतिविधियों पर पाबंदी लग सके। हरियाली लाने के उद्देश्य से इस वर्ष भी तालाब में वृक्षारोपण किया जा रहा है। तालाब में बड़े एवं छायादार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। तालाब के निरीक्षण के दौरान उन्होंने घूमने आए हुए लोगों से सफाई को लेकर के चर्चा की और फीडबैक लिया। देखिए, माननीय महापौर जी के निर्देश पर जो है तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम जो है वो नगर पालिका भिलाई क्षेत्र अंतर्गत किया जा रहा है और इसको संवारने का काम चल रहा है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे जो प्रमुख तालाबें हैं उनको हम सौंदर्यीकरण की दिशा में ले जा भी चुके हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसे तालाब जैसे लिम्हा तालाब हो गए, पहले से उसका जो स्वरूप है आप देखेंगे आज की दशा में बहुत अच्छा हो चुका है। उसमें 3 साल पहले हमने बहुत अच्छे प्लांटेशन किए थे पार्षद जी के वहाँ के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के वहाँ के सहयोग से और जनता के सहयोग से। आज वहाँ पे आप देखेंगे कि फेंसिंग और सारी चीज़ें जो हैं पेवर ब्लॉक जैसे जो चीज़ें हैं वो दुरुस्त हो चुकी हैं और लोग वहाँ पे घूमने आते हैं। कुछ समस्या रहती हैं जो रेगुलेटिंग में नहीं रहती हैं। आयुक्त महोदय ने इन सब चीज़ों का निरीक्षण किया, उन्होंने व्यापक सफाई के निर्देश भी दिए और तालाब परिसर के सफाई के साथ ही जो विद्युत का काम है, जो लाइट वेट का काम है, उसको भी करने के लिए बोले हैं ताकि जो लोग हैं वहाँ पे आए। ज़्यादातर अपेक्षा रहती है कि जो सामाजिक तत्व है वो वहाँ पे ना आए, इसके लिए जो है उन्होंने जन सहयोग की भी अपेक्षा माननीय आयुक्त महोदय ने वहाँ पे की। वार्ड पार्षद महेश वर्मा ने तालाब की विशेषताओं को लेकर आयुक्त को अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त मनीष गायकवाड़, स्वास्थ्य विभाग के कमलेश द्विवेदी आदि मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।